प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी खुलते पंख जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ भारत का ध्वज फहराएंगे, जो कि एक कविता है। और इस कविता के कवि आपको पता ही है, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो हमने इस कविता को पढ़ा है, इसका पठन किया है, कविता पाठ किया है और इसकी व्याख्या आपको अर्थ समझाया गया। हम एक बार फिर से आज कविता पाठ करेंगे और फिर हम सीधा शब्द अर्थ पर चले जाएंगे। जो इस पाठ में मुहावरा कोई नहीं है, सभी शब्द और अर्थ हैं। एक बार हम उन शब्द अर्थों को पढ़ेंगे, याद करेंगे और फिर हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मौखिक प्रश्न मौखिक रूप से ही होते हैं, उन्हें लिखा नहीं जाता। तो चर्चा के द्वारा हम मौखिक प्रश्न भी हल करेंगे। तो शुरुआत पहले करते हैं कविता से। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, जो बच्चों के अभिलाषा के बारे में है कि बच्चे, भारत के बच्चे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम भारत के बच्चे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो कविता के माध्यम से कवि बताते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो भारत के बच्चे कहते हैं कि भले हम छोटे हैं, नन्हे का अर्थ होता है छोटे, शारीरिक रूप से छोटे हैं, शायद बल में भी कम लोग मानते हैं, कहते हैं कि बच्चे कमज़ोर होते हैं, नादान होते हैं। उम्र के कच्चे मतलब कम उम्र वाले। नादान किसे कहा जाता है या कच्ची उम्र वाले किसे बोले कहा जाता है, जिसका उम्र कम होता है, शायद उतने समझदार नहीं होते, ये दुनिया का मानना है। लेकिन बच्चे कहते हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे होते हैं अपने धुन के सच्चे होते हैं, वो ईमानदारी से, सच्चाई से एक बार जो ठान लेते हैं, एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो यहाँ पे जननी, जन्म देने वाली माता के लिए नहीं कहा गया है, भारत माता के लिए कहा गया। देश को भी, धरती को भी माँ का ही दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि लोग या बच्चे उसी पे जन्म लेते हैं, उसी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए देश को, धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो यही बच्चे कह रहे हैं कि हम भी भारत के लिए, भारत की जय जय गाएंगे, मतलब हम भी भारत के विकास में अपना योगदान देंगे और भारत का जो स्वाभिमान है उसे हम कभी झुकने नहीं देंगे। भारत का ध्वज फहराने का अर्थ है केवल झंडा फहराने से नहीं है, देश के लिए जो योगदान बन सके वो हम भी करेंगे, भले हम छोटे हैं, भले हम बच्चे हैं। आगे चलते हैं, फिर हमारा है कविता में, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चे कहते हैं कि जो हमने प्रण कर लिया है कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, तो उस प्रण से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो प्रण क्या होता है, प्रतिज्ञा, वादा, ये सब। और हिम्मत से नाता जोड़ेंगे मतलब हमें कमज़ोर ना कोई समझे। लोग सोचते हैं बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो कोई ये बात नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि हम हिम्मती हैं, बल भले कम हो लेकिन हिम्मत में हमारे पास कोई कमी नहीं, और हम हिमगिरी पे चढ़ जाएंगे, हिमालय पर्वत जो कि बर्फ़ से ढका रहता है। कहते हैं पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, सबके बस की बात नहीं होती। तो बच्चे कहते हैं अगर हम भी ठान लें तो हम मुश्किल से मुश्किल, यहाँ हिमगिरी का अर्थ है कि बहुत मुश्किल काम। तो बच्चे कहते हैं अगर कोई मुश्किल काम भी आएगा तो हम अपने देश के लिए वे भी कर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो संबंध है हिम्मत से। फिर आगे चलते हैं, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो इसका अर्थ है भारत का ध्वज फहराएंगे। तो यहाँ भारत का
मात्र झंडा फहराने की बात नहीं की गई है, देश के मान सम्मान में अपना योगदान देने की बात की गई है। इसलिए कभी बार बार ये पंक्ति दोहरा रहे हैं कि भारत का ध्वज फहराएं, तो बच्चे भारत की विकास में, समृद्धि में अपना योगदान देना चाहते हैं। कोई उन्हें छोटा या कमज़ोर न समझे, वे बार बार बच्चे बात बता रहे हैं कवि के माध्यम से। फिर आते हैं, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग सदा बढ़ाएंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे। पग का अर्थ है पैर, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि बच्चे आसानी से डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, तो बच्चे इसमें कह रहे हैं नहीं, हम कभी भय से घबराएंगे नहीं, डोलेंगे नहीं। डोलना का अर्थ है जो हमने प्रतिज्ञा किया है उससे पीछे नहीं हटते, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमें अपने ताकत का अंदाज़ा है। क्या अंदाज़ा है? कि हम भी कुछ भी काम कर सकते हैं, कठिन से कठिन काम भी हम कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं। साहस की बोली बोलेंगे, जो साहसी होता है, हिम्मती होता है, उसे कोई काम मुश्किल नहीं लगता। तो यही बात बच्चे भी कह रहे हैं कि अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग अपना सदा बढ़ाएंगे, आगे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम कभी पीछे नहीं मुड़ते। कहते हैं जो कि पीछे मुड़ता है वो हार मान लेता है, वह कायर कहलाता है। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आगे बढ़ते जाएंगे और भारत के लिए जो हमसे बनेगा, हम अपने तरफ से भी हमारा योगदान रहेगा। और ये जो कदम हैं, हमारे जोशीले कदम हैं, वे सदा हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, मतलब देश के विकास के लिए हम भी काम लगाएंगे, हम भी जोर लगा देंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो भारत का ध्वज का अर्थ है इसमें कि भारत के सम्मान को आँच नहीं आने देंगे और हम भी देश के लिए अपना योगदान देते रहें। तो ये थी हमारी कविता। किसकी कविता थी? कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी जी। तो अब हम चलते हैं अपने शब्दार्थ। तो अभी हमने कविता पाठ किया, उसका भावार्थ आपको बताया। अब हम शब्दार्थ और मुहावरे पे चलते हैं। तो इस पाठ में मुहावरे नहीं, सभी के सभी शब्द अर्थ है। नादान सबसे पहला हमारा शब्द है, एक बार शब्द अर्थ भी लिख देते हैं। शब्द अर्थ, पहला शब्द अर्थ है मुहावरे कोई नहीं है, इसीलिए मुहावरे के अंतर्गत हम नहीं लिख रहे हैं। इस पाठ में कविता है, इसमें कोई मुहावरा नहीं आया है। नादान पहला शब्द है, नादान। नादान का अर्थ होता है अबोध या मासूम। अबोध या मासूम, दो दो अर्थ लिखा है तो हम दोनों याद कर लेंगे। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप एक अर्थ भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा, मासूम। तो अबोध जो शब्द है वो बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। नादान जो शब्द है, नादान का अर्थ होता है अबोध और मासूम, क्योंकि अबोध का अर्थ होता है जिसे बोध ना हो, जिसे ज्ञान ना हो। मासूम, जिसे ज्ञान नहीं होता उसे मासूम कहा जाता है। तो बच्चों को नादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शायद दुनिया नहीं देखी है, उन्होंने अभी उतनी सोचने की या समझने की शक्ति नहीं होती है। तो बड़े जो लोग होते हैं बच्चों को नादान ही कहते हैं। तो ये नादान शब्द है, इसका अर्थ होता है अबोध या मासूम। उम्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उच्चारण से, उम्र, उम्र का अर्थ होता है उम्र। तो कवियों की मजबूरी होती है कभी कभी, जब कविता लिखते हैं
तो धुन वाले शब्द मिलाने के लिए वो इन शब्दों का बोलियों का भी प्रयोग करते हैं। तो उम्र का अर्थ है उम्र आयु। तो हम नादान उम्र के कच्चे हैं, मतलब हमारी उम्र कम है, कच्चा जो बोला गया था कविता में, हम नादान उम्र के कच्चे हैं। उम्र मतलब आयु, बच्चों की आयु कम होती है इसीलिए वे उन्हें कम उम्र वाला कहा गया है या कच्ची उम्र वाला कहा गया है। कच्ची का अर्थ है कम। तो ये उम्र हो गया। आगे चलते हैं धुन। तीसरा जो हमारा शब्द अर्थ है वो है धुन। धुन का अर्थ है लगन। यहाँ पे संगीत के धुन की बात नहीं की गई है। कहते हैं जो बच्चे एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। तो ये धुन का अर्थ है लगन। वे लगन से काम करते हैं, वे आसानी से अपने रास्ते से नहीं हटते हैं। जैसे जिस बच्चे को खेलने की धुन लग जाती है तो दिन भर खेलते रहते हैं। कई बच्चे होते हैं पढ़ने की धुन लग जाती है, दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो इनमें कवि क्या कह रहा है, बच्चों को देश के लिए कुछ करने के लिए धुन लगी है, उनका लगन है कि वे देश के लिए भी कुछ करें। बड़े तो करते ही हैं, वे भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ हिस्सा है, कुछ योगदान हम भी दें देश के लिए। तो धुन का अर्थ होता है लगन। अगला है जननी। ये बहुत आसान है चौथा। जननी, जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली या माँ। जन्म देने वाली, जन्म देने वाली या फिर माँ। तो जननी का एक अर्थ माँ हो गया, एक जन्म देने वाली। तो यहाँ पे इस पाठ में, इस कविता में जननी का अर्थ है भारत माता से, धरती से, अपने देश से। तो जननी का यहाँ पे अर्थ है भारत माता। बच्चे देश के लिए, भारत माता के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, उसकी रक्षा के लिए भी वे हमेशा तैयार रहते हैं, ये बताया गया। लेकिन शाब्दिक अर्थ होता है माँ या जन्म देने वाली। जननी का अर्थ क्या होता है, माँ या जन्म देने वाली। अगला है ध्वज। ध्वज तो बहुत आसान शब्द है, इसमें आधा ध्व होता है, पूरा व और पूरा च। ध्वज, ध्वज को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, झंडा, या फिर पताका भी बोला जाता है। झंडा, झंडा या पताका, ये नया शब्द आपको लग रहा है, पताका। झंडा तो आपने शायद सुना हो। तो ध्वज को झंडा और पताका भी कहा जाता है। तो भारत का तिरंगा दिख रहा है, बच्चे बच्चों ने तिरंगा पकड़ रखा है और उसे बड़ी सावधानी से फहरा रहे हैं। तो ध्वज का अर्थ है झंडा या पताका। और जब हम तिरंगा झंडा बोलते हैं या तिरंगा ध्वज बोलते हैं तो अपने देश के झंडे की हम बात कर रहे थे, नहीं तो ध्वज का अर्थ होता है झंडा या पताका। अब चलते हैं पथ। छठा है पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। रास्ता या हम मार्ग बोल सकते हैं। पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। सातवां है प्रण। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। प्रण, प्रॉमिस, इंग्लिश में प्रॉमिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या अर्थ है इसका, प्रतिज्ञा या वायदा। प्रतिज्ञा या वायदा,
वायदा, तो प्रण कर लेना मतलब प्रतिज्ञा कर लेना कि हमारा भी, हम भी देश के लिए अपना योगदान देंगे, या वायदा कर लेना। वादा शब्द है उर्दू का, तो ये है वायदा हिंदी का शब्द है, प्रतिज्ञा भी हिंदी का शब्द है, प्रण। अब आ जाते हैं अगला है हिमगिरी, तो इसको मिटा देते हैं साथ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वे इसे सावधानी से नोट करेंगे। मैं अब आगे चलता हूँ, आठवां शब्द अर्थ है हमारा हिमगिरी, हमारा जो आठवां शब्द है वो है हिमगिरी। मैं एक बार मिटा देता हूँ इन सबको, आठवां है हिमगिरी। हिमगिरी ये दो शब्दों के मेल से बना है, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। हिम जमा गिरी, हिम बर्फ को बोलते हैं, गिरी पर्वत को या पहाड़ को बोला जाता है, तो ये हिम बर्फ को बोला जाता है, गिरी पहाड़ को बोला जाता है। तो वो पहाड़ जिस पे बर्फ लदा हो या बर्फ से लदे पहाड़ को हिमगिरी कहा जाता है। इसका दूसरा अर्थ जो है हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय जो पर्वत है वो काफ़ी ऊंचा है, वहाँ साल भर कहते हैं हिमालय पर्वत पे बर्फ लदी रहती है, तो हिमालय का भी दूसरा नाम हिमगिरी ही है। तो हम दोनों चीज़ लिखेंगे, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ या फिर हिमालय, फिर हिमालय पर्वत बोलेंगे, हिमालय या हिमालय पर्वत भी ले सकते हैं। हिमालय पर्वत जो है वह ऊंचा, संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ की श्रेणी में आता है, और यहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है। तो आठवां था हिमगिरी। तो हिमगिरी दो शब्दों से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है, हिम और गिरी। हिम का अर्थ है बर्फ, गिरी मतलब पर्वत या पहाड़। अब हम चलते हैं आगे, अगला है भय, नौवां है भय। कुछ एकदम आसान शब्द भी हैं, जैसे भय का अर्थ आपको सबको पता है डर होता है, भय का होता है डर। दसवां है हमारा डोलेंगे, ये नया शब्द है। डोलना मतलब डोलेंगे, हिल जाना, घबरा के रास्ता भटक जाना उसको कहते हैं। जैसे कि कहते हैं रस्सी पे, जैसे सर्कस जब रस्सी होती है तो उसके ऊपर जो व्यक्ति रस्सी पे चलता है तो इधर उधर डोलता रहता है, लगता है कि कभी इधर गिर जाएगा इस तरफ या कभी उस तरफ। तो डोलना मतलब कि यहाँ पे है अपने निश्चय से हटना, विचलित होना। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, डोलेंगे कविता में इसका अर्थ, तो ये डोलना का अर्थ होता है अपने जगह से हिल जाने को डोलना कहते हैं, लेकिन कविता में इसका अर्थ है अपने निश्चय से हटना, विचलित होना। तो बच्चे बोल रहे थे हम अपने प्रतिज्ञा अपने प्रण से डोलना नहीं है, हमने जो प्रण कर रखा है उससे हम हटेंगे नहीं या डोलेंगे नहीं। तो यहाँ डोलने का अर्थ है अपने निश्चय से हटना या फिर विचलित होना, ये नया शब्द था। तो इसका अर्थ हम कविता के अनुसार अब लिखें, अपने निश्चय से हटना, अपने निश्चय से तो जब भी हम
अपने निश्चय से हटना, कभी कभी ये दो अर्थ दिए हैं तो दोनों ही अर्थ हम लिख रहे हैं, या विचलित होना, विचलित होना, तो हमें दोनों ही अर्थ लिखना है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि चलो शब्दार्थ में एक ही अर्थ लिख लेते हैं, दोनों का तो अर्थ एक ही होता है, ऐसा नहीं। दोनों ही अर्थ हम लोग लिखते समय दोनों ही अर्थ लिखेंगे। अगर परीक्षा में एक अर्थ पूछा जाता है तो एक ही दे दीजिएगा, वहाँ दो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखेंगे और याद करेंगे हम दोनों। अगला है पग, हमारा 11वां है शब्द पग। पग का अर्थ होता है कदम या पैर भी कह सकते हैं, पग का अर्थ कदम या फिर पैर भी कहा जाता है। तो इसमें बच्चों ने यही बताया था कि हम अपना जो पग है आगे ही बढ़ाएंगे, सदा आगे बढ़ाएंगे, मतलब उसे हटाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। तो कदम आगे बढ़ाने का अर्थ है कि लगातार प्रयास करना, लगातार प्रयास करना। और कदम पीछे हटाने का अर्थ होता है डर जाना, अपने प्रण से हट जाना। कायर अपने प्रण से हट जाते हैं या डरपोक अपने प्रण से हट जाते हैं। तो यहाँ पे पग का अर्थ है कदम। और अंतिम हमारा शब्द है 12वां सदा। सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। तो आगे चलते हैं। तो ये था हमारे शब्द अर्थ। तो हमने इस पाठ के क्या क्या कर लिए अब तक, हमने इस पाठ का पठन, एक बार आपको मैं गृह कार्य भी ले देता हूँ। अब तक हमने जो जो काम किया उसका गृह कार्य भी मैं आपको बता देता हूँ। आज तक हमने क्या क्या किया, मैं लिखित रूप से गृह कार्य बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर वीडियो में या हमें समझ नहीं आया होमवर्क क्या मिलता है, तो मैं आज गृह कार्य भी लिख देता हूँ। गृह कार्य सबसे पहले लिखित, लिखित में जो लिखने वाला काम है वो है कविता लिखें तथा चित्र भी, चित्र बनाकर, चित्र बनाकर रंग भरे। तो पहला ये लिखित वाला काम है, ये लिखने वाला काम क्या था। उसके बाद दूसरा मैं एक और बता देता हूँ, एक तो कविता पूरा लिखना है और उसका चित्र बनाना है। चित्र आसान सा बना देना, तिरंगा झंडा जो है वो भी अगर आप बना देंगे और उसमें रंग भरेंगे तभी भी चित्र का काम हो जाएगा। तो हमेशा हम पूरी कविता लिखते हैं और कविता पर आधारित, जरूरी नहीं कि बुक का ही चित्र बनाए, आप कोई आसान सा चित्र भी बना सकते हैं। दूसरा है हमारा लिखित काम, शब्द अर्थ लिख कर याद, शब्द अर्थ लिख कर लिखें, तब मौखिक पे आ जाते हैं। मौखिक अब ओरल वाला क्या काम है, कविता याद करें। तो मौखिक का पहला है लिखित था, ये मौखिक है, कविता याद करें। दूसरा है
शब्द अर्थ याद करें। तो अभी तक का काम हमने आपको बता दिया, मौखिक और लिखित। लिखित मतलब लिखना है आपको, हिंदी क्लास वर्क नोटबुक में कविता लिखना है, चित्र बनाना है और उस चित्र में रंग भरना है। शब्द अर्थ जो मैंने अभी आपको लिखवाया, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो वीडियो से आप शब्द अर्थ लिख सकते हैं। मौखिक में कविता याद करना है पूरी कविता, और शब्द अर्थ भी तो आपको याद करना ही है। तो ये था हमारा गृह कार्य। तो अब हम आगे चलेंगे, ये बहुत आसान सा काम है। अगर आपके पास बुक नहीं है तभी भी आप वीडियो से ये सारा काम कर सकते हो। तो कोई बच्चा ये ना कहे कि मेरे पास बुक नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे मैं कविता नहीं लिख सकता। इसलिए मैंने आपको पूरी कविता लिख के पिछले 3 वीडियो में मैंने कविता लिखवाई है, शब्द अर्थ भी लिखवाया है, ताकि जी वे बच्चे भी लिख सकें जिनके पास बुक नहीं। अब आगे हम चलते हैं मौखिक प्रश्न की तरफ। ये तो गृह कार्य हो गया, अब जरूरी चीज है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न तक क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका लिखित रूप होता नहीं है। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की या फिर वीडियो नहीं देखा, वीडियो पे जो हम मौखिक का चर्चा करते हैं, तो फिर वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। तो इसलिए मौखिक प्रश्न भी काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला है हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न होता है प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो, इसमें मौखिक प्रश्न है। पहला है मौखिक, फिर लिखित। लिखित हम नोटबुक में लिखवाते हैं, मौखिक। तो मौखिक का पहला प्रश्न उत्तर कौन सा है ये भी लिखते हैं। बच्चे क्या क्या करने की बात कर रहे हैं? हमारा प्रश्न है बच्चे क्या क्या करने की क्या क्या करने की बात कर रहे हैं? तो बच्चे ये था हमारा पहला प्रश्न। और जैसा कि हमें पता है इसमें बच्चे, इस पाठ में बच्चे क्या कहना चाहते हैं कि वे जो धरती माँ भारत माता है, हम यहाँ पे जननी कहा गया है, कि बच्चे भी जननी के भारत के विकास में अपना योगदान देने की बात कर रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे देश की रक्षा करने की भी बात है, तभी भी वे साहस से काम लेंगे, कोई उन्हें छोटा या कमज़ोर न माने। तो बच्चे क्या कहते हैं कि हमने जो प्रण किया है कि हम देश को तरक्की की राह पे ले जाएंगे, भारत माता के विकास के लिए अपना योगदान देंगे, अगर कभी देश पे संकट भी आ जाए तो हम बहादुरी से साहस से काम करेंगे, और अपने देश के लिए हमारा भी बच्चों का भी उतना ही योगदान है। हम हिम्मती हैं, हम डरपोक नहीं हैं, और हम कठिन से कठिन काम, चाहे जैसे हिमगिरी पर चढ़ना हो तो हम वैसा काम भी हंसते हंसते कर जाएंगे, क्योंकि जो हमने एक बार प्रण कर लिया देश की रक्षा के लिए, देश के लिए, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। भले हम दुनिया वाले हमें नादान कहें, कच्चे उम्र वाला कहें, कमज़ोर कहें, लेकिन हम अपने रास्ते से, अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं हटें। तो बच्चे क्या क्या करने की बात कर रहे हैं? देश की तरक्की में योगदान की बात कर रहे हैं, देश की रक्षा में भी अपने योगदान की बात कर रहे हैं, कि ज़रूरत पड़ने पर वे देश की रक्षा करने से भी देश की रक्षा करेंगे, और उससे भी वे डर के पीछे नहीं है। तो बच्चों बाकी शेष हम कल करेंगे। तो ये मौखिक प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से सुनना है,
और उसके बाद समझना, क्योंकि भले हम इसका लिखित रूप नहीं होता है लेकिन हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम शेष प्रश्न करेंगे।